ये बाकी एक संगीन केस था, संगीन केस है क्योंकि केस का होना और उसका ओवरऑल ट्रेडर्स यूनियंस पे, शॉपकीपर्स पे, बाजारों पे वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो एक्सपोज हो जाती है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे पास कोई क्लू नहीं था। आप जानते हैं कि सवाल इस वक्त काफी इम्पोर्टेंट प्लेस है, टूरिज्म के हवाले से भी, वाटरवेज है, रोड है, लिंक रोड्स है, आबादी काफी बढ़ रही है, हम डेवलप ही नहीं है टेक्नोलॉजिकली, हमारी इंटेलिजेंस भी और टेक्नोलॉजी बेस जितना हमारा बेस है सबको हमने इवैल्यूएट किया, हमने इस पे काम शुरू किया। पहले 48 आवर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्राइम सीन को थॉरली इंस्पेक्ट किया, उसमें मैं उन तमाम दोस्तों का, खासकर जो ट्रेडर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कि उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, माइन्यूटली जितने भी डिटेल्स थी उनमें हमारे हमारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आप सब दोस्त जानते हैं कि जब भी कोई क्राइम हो और पुलिस क्वेश्चन आंसरिंग जब भी करती है तो लोगों को वो क्वेश्चन आंसर सही नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते, बट दे वेरी पोलाइटली हेल्प्ड अस हमारे तमाम सवालों के, जितना हमने स्केच बनाना था उनको कंप्लीट किया, उनके जवाब दिए, हमारे जिससे हमें रहनुमाई मिली। हमने क्राइम सीन से ही काम शुरू किया, ये वारदात एक दिन का नहीं था, एक मिनट का नहीं था, एक घंटे का नहीं था, इसके पीछे पूरे एक हफ्ते की उनकी वर्किंग, ये टूरिस्ट की शक्ल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, चार रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने एक होटल में एक सराय में रूम लिया, वो गलत नाम पे लिया और उसके साथ फिर ये इंस्पेक्ट करते रहे, गाड़ी जो उन्होंने इस्तेमाल की डेली बेसिस पे, वो गाड़ी का रंग, गाड़ी का पैटर्न, कभी टेंटेड ग्लासेस, कभी नंबर चेंज किया, कभी कोई और निशानी लगाई, डेली बेसिस पे वो चेंज करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बाजारों का इंस्पेक्ट किया और तकरीबन 4:50 में जिस शॉप के आगे से, जिस शॉप में ये वारदात होती है, आप जानते हैं कि हमारा बाबरी स्क्वाड भी है, 4:50 में उसी शॉप के आगे हमारे सीसीटीवी में है जो हम आपसे शेयर करेंगे, हमारे पुलिस की जो पैदल गश्त है वो उनके सामने से हुई, एंड दे डू अटेम्प्ट इट ऑन 5:50, 5:50 में ये अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट के दौरान ही आपके पास शायद वो वीडियो पहुंची होगी कि बाजार का जो चौकीदार है उसको चाहिए था कि वो थोड़ा सा कॉशन करते, अनफॉर्चुनेटली वो एक डक सा बन गया और वो भी उनके हाथ में चढ़ा और उन्होंने उसको दुकान में बंद कर दिया, उसके बाद उन्होंने वहां से लूट लिया। हमारे पास वो एक सीसीटीवी रिकॉर्ड आया, उससे हमने पूरा जितना 15 किलोमीटर में रेडियस में जितने भी कैमराज थे, जितने भी होटल्स थे, जितने भी ATM कार्ड से सबका हमने इंस्पेक्शन किया, कम से कम मोर देन 50,000 लगभग मोबाइल CDRs हमने भी उनको अपने काम किए। चैलेंज एक ऐसा था कि हमने मोटरवे तक जितनी भी गाड़ियां गई हैं 2-3 दिनों में तमाम गाड़ियों का हमने रिकॉर्ड लिया, किस किस इंटरचेंज पे गाड़ी कब किस वक्त गई है उनका रिकॉर्ड लिया, हमें कोई खास कामयाबी नहीं हो सकी आफ्टर 45,000 CDRs के बावजूद। But even that, एक ATM कार्ड को जब हम ATM मशीन को जब इंस्पेक्ट कर रहे थे तो वहाँ से हमें मालूमात हुई एक नंबर इस्तेमाल हुआ, वो नंबर एक ऐसा नंबर था जो सिर्फ सिर्फ इजी लोड के लिए वो इस्तेमाल होता, उसका हमने रिकॉर्ड लिया। पहले दिन ही हमें चूंकि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हमें कुछ मालूमात की, लेकिन हम उसको मैच्योर करना चाह रहे थे, वो बहावलपुर का आया, वहाँ से बहावल नगर, जब उस जगह को इंस्पेक्ट किया तो वो वाकई क्रिमिनल इलाका था, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं, हमारे IT के लड़कों ने जिसमें कुछ हमारे पंजाब पुलिस के अफसरान भी उन्होंने हमारे साथ हेल्प की, यहाँ पे उन्होंने कैंप लगाई, हमारे लड़कों को उन्होंने हेल्प किया, हमने इनको लोकेट किया और उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। पहला ऑपरेशन हमारा कामयाब नहीं हुआ, वो हमने कसूर में किया, कसूर में बंदे को हमने इंटरोगेट किया, वाकई वो एक हम गलत जगह पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कसूर पुलिस को बहुत